यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है बेल्ट के ऊपर। ठीक है, तो रीड करते हैं। पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पुली ऑफ 1 मीटर डायमीटर रनिंग है 200 RPM। ठीक है, तो ये एक पुली है इस तरह से, और इससे आपका पावर ट्रांसमिट हो रहा है दूसरी पुली में जिसका डायमीटर आपका 2.2 है इस तरह से। ठीक है, ये बेल्ट है इसके ऊपर, ओके, पुली 1 मीटर डायमीटर, इसको D1 नाम दे देते हैं, ये 1 है और इसको नाम दे देते हैं 2। ठीक है, तो D1 की वैल्यू दी है आपको 1 मीटर और N1 की वैल्यू दी है 200 RPM। और फिर यहाँ से पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं आप 2.25 मीटर में, तो D2 की वैल्यू दी है 2.25 मीटर। ठीक है, फाइंड द स्पीड लॉस्ट, तो स्पीड लॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाई द ड्रिवन पुली एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप, इसमें आपको क्रीप कंसिडर करके चलना है। इफ द स्ट्रेस ऑन टाइट एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट आर 1.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यंग्स मॉडल्स दिया है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, N1 अपॉन N2 इक्वल्स D2 अपॉन D1, और इसके अंदर आता है E प्लस रूट F1 ना, और इसमें नीचे आता है E प्लस रूट F2। ठीक है, जिसमें बेसिकली E क्या है, यंग्स मॉडुलस, और F1 और F2 क्या है, ये आपका जो स्ट्रेस है। ठीक है, ये स्ट्रेस ऑन टाइट साइड है, ये स्ट्रेस ऑन स्लैक साइड है। ठीक है, तो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं आगे, वैल्यू पुट अप करना है सीधा, तो मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो मेरे पास N1 की वैल्यू कितनी है 200, N2 की वैल्यू कितना है निकालना है, N2 आपको निकालना है इक्वल। ठीक है, फिर आपको डायमीटर D2 और D1 है, तो D2 की वैल्यू 2.25 है, D1 की वैल्यू 1 है, तो 2.25 अपॉन 1, और इसमें E यंग्स मॉडुलस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100। ठीक है, प्लस रूट F1 टाइट साइड में, तो टाइट साइड में कितना है 1.4 और स्लैक साइड में 0.5, यहाँ पे आ जाएगा ये रूट 1.4। ठीक है, और इसमें नीचे आपका स्लैक साइड वाला रूट 1.4 और ये कितना है 0.5। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 200 अपॉन N2 इक्वल्स 2.25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 1.4। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई है प्लस 100, तो ये आ गया 0101.18 अपॉन, ठीक है, रूट 0.5 ये आ गया प्लस 100, तो आ गया 100.707। ठीक है, तो N2 इक्वल्स आ जाएगा 200 अपॉन 2.25 इंटू 100.707 अपॉन 101.18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 200 डिवाइडेड बाई 2.25। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 100.707 डिवाइडेड बाई 101.18। ठीक है, तो N2 की वैल्यू आ गई आपकी 88.4733 RPM। ठीक है, ये आ गया जब हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, क्रीप को कंसीडर करके चल रहे हैं, है ना। अब विदाउट क्रीप का निकालते हैं, तो विदाउट क्रीप का निकले आएगा आपका N1 अपॉन N2 इक्वल्स D1 अपॉन D2। दिस इम्प्लाइज N1 की वैल्यू 200, N2 एज दिस D1 2.25 अपॉन 1, तो यहाँ से N2 इक्वल्स आ जाएगा 200 अपॉन 2.25। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाई 2.25, इसकी वैल्यू आएगी 88
0.88 RPM, ठीक है। तो RPM लॉस्ट कितना आ जाएगा विदाउट क्रीप माइनस क्रीप, तो 88.88 माइनस 88.4733, ठीक है। यह है अपने पास पहले से 88.88, माइनस कर देते हैं 88.473, तो ये आ गया आपका RPM लॉस्ट इक्वल्स आ गया 0.415 RPM, ठीक है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।